गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कीर्तन से आई हूँ, आके जोतपत्ती करी है, बस अब थोड़ी सी तैयारी करूँगी व्रत का खाना बनाने की। कुछ तैयारी मैंने सुबह से करके रख दी थी। और आपको सातवीं नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर दे। और बस आज लास्ट फास्ट है, हमारे यहाँ पे अष्टमी होती है तो उसकी भी कुछ तैयारी करके रखूँगी और जो जो मैं आज बनाने वाली हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली नवरात्रि की थाली में। बहुत सिंपल सी नवरात्रि की थाली बनाती हूँ, ज़्यादा ऑयली चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना ये जो साबूदाना है इसको भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे पहले जब मैं कीर्तन में गई थी। और अब ये देखिए अच्छे से सोक हो गया है और ये इस तरह से मतलब इसको दबा रही हूँ तो ये गल रहा है अच्छे से। इसका मतलब हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से सोक हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है उसको मैं ड्रेन आउट कर लूँगी। आलू उबाल दिए थे, माने ने छील लिए हैं, तो इनसे मैं बनाऊँगी साबूदाना वड़ा। तो फ्रेंड्स, जब तक ये साबूदाना यहाँ पे मेरा ड्रेन आउट हो रहा है, इसका सारा पानी यहाँ पे छन्नी में से निकल जाएगा, तब तक मैंने यहाँ पे सामक के चावल भिगो दिए हैं। बहुत थोड़े से चावल भिगोए हैं, 1 कटोरी से भी थोड़े से कम। और यहाँ पे मेरे पास एक आधी लौकी पड़ी थी तो इसको मैं काट लूँगी बारीक बारीक पीसेस में, इससे बनाऊँगी मैं सामक के चावल की खिचड़ी। तो इस तरह से अगर हम ये लौकी वगैरह डाल के बनाते हैं ना जब खिचड़ी, तो बहुत अच्छी बनती है खिचड़ी। वैसे अगर हम सामक के चावल बनाते हैं तो वो काफ़ी ड्राई ड्राई से लगते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पेठा वगैरह भी डाल सकते हैं जो सीताफल होता है, या फिर आलू डाल के भी छौंक सकते हैं। ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, कोई भी फास्ट होता है तो दिन से ही थोड़ी सी तैयारी करके रख लेती हूँ। दोपहर में मैं कीर्तन में जाने से पहले आलू बॉईल कर दिए थे काफ़ी सारे, क्योंकि शाम को भी यूज़ होने थे। और दोपहर में बनाए थे मैंने थोड़े से नमक वाले जीरा वाले आलू, तो मान्या को दे दिए थे क्योंकि उसका भी फास्ट था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू की यहाँ पर बनाऊँगी सब्जी, तो मैंने उनको यहाँ पर मैश कर लिया है हाथ से, मतलब भोर लिया है आलुओं को, उसके अंदर मैं यहाँ पर छौंका लगाऊँगी। और मैंने थोड़ी सी मील प्लानिंग की थी अभी 2 डेज़ पहले, उसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा। जो यहाँ पर मैंने टिफ़िन बॉक्स में आपने देखा मैंने यहाँ पे रखी हुई थी मिर्चें, कड़ी पत्ता और अदरक वगैरह काट के एक मील प्लानिंग का वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया था, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो की बात कर लेते हैं। चलिए, मैं आलू की सब्जी बनाने लगी हूँ। कढ़ाई मैंने ले लिया रिफाइंड ऑयल। हम लोग व्रत में रिफाइंड ऑयल खा लेते हैं, अगर जो भी आप खाते हो वो इस तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घी में भी छौंक सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रिफाइंड ऑयल गरम करके इसमें जीरा डाला, वो जब अच्छे से भुन गया उसके बाद मैंने हरी मिर्च और जो अदरक कसा था वो ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं 2-3 टमाटर, और जब टमाटर अच्छे से गल गए तो उसके बाद ऐड कर दिए मैंने इसमें उबले हुए आलू जो मैंने मैश करके रखे थे। बहुत जल्दी व्रत की सब्जी बन जाती है और इसमें बिना प्याज के भी व्रत का खाना इतना टेस्टी बनता है, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा मन करता है कि हम बिना प्याज के भी सब्जी वगैरह बना सकते हैं। 9 दिन बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि हमने बिना प्याज लहसुन के सब्जी खाई है। तो बस यहाँ पे जो मेरी सब्जी है वो बनके तैयार है, उसमें मैंने पानी डाल दिया था। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करी थी क्योंकि हमें खिचड़ी के साथ खानी थी, तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है और उसमें भी डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जीरा डाला है और जो मैंने यहाँ पर लौकी काट करके रखी थी पतली पतली वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जब ये थोड़ी सी गल जाएगी इसके अंदर ऐड कर दिया है सेंधा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो आप जो भी मसाले आप खाते हैं व्रत में वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें खाई जाती हैं वो मैं वही ऐड कर रही हूँ जो हमारे यहाँ शुरू से फॉलो किया जाता है, मैं उसी तरह से व्रत का खाना बनाती हूँ। तो बस अब ये थोड़ा सा मैश हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिए ये व्रत वाले चावल, और बस इसको कुछ नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और ये हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और इस खिचड़ी को जितना पतला बनाना चाहें आप उसके अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा सूखा सूखा ही बनाना था, और क्योंकि मैंने साथ में बनाई थी आलू की सब्जी। तो चलिए, जब तक यहाँ पे सीटी लगती है उसमें खिचड़ी में, तब तक यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं साबूदाना वड़ा की। जो ये साबूदाना है मैंने छन्नी में रखा हुआ है, तो इससे जितना भी इसका एक्सेस वाटर है वो सब निकल जाएगा। साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पे आलू, और साबूदाना और आलू को मिलाना है, और साथ में यहाँ पे बनाई थी पीनट चटनी। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने आपके लिए मील प्लानिंग शूट किया था लेकिन शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो ये पीनट चटनी मैंने पीनट को, धनिया को, हरी मिर्च को मिला के बनाई है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दही डाला था। तो मील प्लानिंग वाला वीडियो जब आएगा प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।
आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड इसमें आलू डाल दिए हैं, पीनट चटनी हो गई, थोड़ा सा धनिया डाला है काट के, हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस करके इसके अंदर डाल दिया है। बस इसके अंदर मसालों में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, सिंपल सा मैंने सेंधा नमक डाला है और काली मिर्च का पाउडर डाला है। बस इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास पीनट चटनी ना हो तो आप इसमें रोस्टेड पीनट जो होती हैं उसको आप मिक्सी में थोड़ा सा पाउडर बना के कोर्सली इसमें मिला सकते हैं, तो इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और साबूदानों को आलू के साथ बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बिल्कुल इसको स्टिकी नहीं करना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मल लेंगे तो फिर आपका जो साबूदाना है वो कढ़ाई में स्टिक हो सकता है। जैसे आप साबूदाना की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो स्टिक ज़रूर होती है, लेकिन साबूदाना की कोई भी चीज़ बनाए तो पेशेंसफुली बनती है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और जो मेरे साबूदाना वड़ा बन गए हैं, थोड़ा तेल का हाथ लगा के मैंने साबूदाना वड़ा बना लिए थे और यहाँ पे साइड में मैंने रख दिया थोड़े से मखाने भुनने के लिए। आज सुबह बहुत सारे मैंने मखाने फ्राई किए थे क्योंकि मान्य का भी फास्ट था और मूंगफली भी रोस्ट की थी, लेकिन जब बच्चे घर में होती है ना और फास्ट होता है तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी रुकती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मखाने की खीर बनाने के लिए थोड़े से मखाने रोस्ट कर रही हूँ साइड में और मेरी आलू की सब्जी बन गई है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल और बस इसको अब यहाँ पे जो मैंने वड़े बनाए हैं ये इसमें धीरे धीरे डाल दूँगी। आप कढ़ाई में बिल्कुल भी इसमें ओवर क्राउडेड ना करें, जितने आपको वड़े बनाने हैं इतना स्पेस रखें उनके बीच में कि वो आपस में चिपके ना। तो बस इनको बहुत जल्दी पलटने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं साबूदाना वड़े, जब तक वो पकेंगे एक साइड से यहाँ पे मैंने दूसरे एक बाउल में ले लिया है दूध और जो मखाने हैं वो मेरे रोस्ट हो ही गए हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको पलटने की कोशिश करी थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद तो ये अच्छे से सिक गए थे एक साइड से। और जब ये एक साइड से सिक जाएँ तभी आप इनको पलटें, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये कढ़ाई के जो बॉटम में चिपक जाएंगे और फिर ये फैल जाएंगे तेल में और आपके सारे साबूदाने वड़े ख़राब हो सकते हैं। तो फर्स्ट बैच में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन सेकंड बैच जो था वो साबूदाने वड़े का बहुत ही अच्छा बना था। यहाँ पे भी दूध है जो गाढ़ा हो गया था पक पक के, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने चीनी और जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे मखाने वो भी ऐड कर दिए हैं। और मखाने की खीर की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट बैच बनके तैयार हो गया था और यहाँ पे मेरे अभी आलू बचे हुए थे बॉयल्ड आलू, तो मैंने सोचा कि कुट्टू का आटा रखा है और थोड़े से कुट्टू की पकौड़ियाँ भी बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जब से ये कुट्टू का आटा घर में आया था तो मैंने यूज़ नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी डरते डरते। अभी बीच में कुछ न्यूज़ आई थी काफ़ी सारी कि कुट्टू का आटा खाकर काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं, तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था, लेकिन मैंने आज इसको सोचा कि चलो यूज़ करके देखते हैं। और टचवुड, जो ये कुट्टू की पकौड़ियाँ बनी थी बहुत ही अच्छी बनी थी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मिलावट इतनी ज़्यादा हो रही है चीज़ों में, व्रत के दिनों में जो व्रत के सामान होते हैं उनके अंदर मिलावट करते हैं लोग, तो उससे काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं। और पिछले साल भी काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी कि कुट्टू का आटा खाकर काफ़ी लोग बीमार हो गए। तो जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ें खरीदें तो आप अच्छे से देख कर खरीदें कि चीज़ें एक्सपायर ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने जो आलू है उसके अंदर काट के डाल दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया था कुट्टू के आटे में और एकदम थिक सा बैटर बना लिया था, उसके अंदर उबले हुए आलू काट के डाल दिए हैं। यहाँ पे भी ये मेरा सेकंड बैच है जो साबूदाने वड़े का पक रहा है और बस इनको अच्छे से सेक लेना है दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक। जो सेकंड बैच बना था साबूदाने वड़ा का बहुत ही अच्छा बना था और क्रिस्पी बना था। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें तैयार हैं, अब बना लेते हैं कुट्टू की पकौड़ियाँ। क्योंकि कढ़ाई के अंदर तेल था तो मुझे थोड़ा सा लालच आ गया कि कुट्टू की पकौड़ियाँ भी बना लेती हूँ और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसीलिए नहीं बना रही थी कि कुट्टू के आटे का थोड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन कुट्टू की पकौड़ियाँ जब बनती हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि फास्ट के दिनों में कुछ सिंपल सा खाना बनाऊँ, या तो खिचड़ी बनाती हूँ या फिर साबूदाना खिचड़ी बना लेती हूँ, आलू की सब्जी होगी या फिर कुछ आइसक्रीम वगैरह आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ फ्रूट क्रीम। तो यहाँ पे जो ये मखाने हैं ये भी अच्छे से गल गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, थोड़े से मखाने जो बचे थे वो पीस लिए थे। इससे मखाने की जो खीर है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। और रेसिपी ज़रूर देखिए, मखाने की खीर की मैं रेसिपी अलग से शेयर की है अपने चैनल पे और उससे आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और मेरे घर में तो फास्ट के दिनों में क्या, नॉर्मल डेज में भी मखाने की खीर बनती ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें बनके तैयार हैं। ये है सामक के चावल की खिचड़ी और घिया डाल के अगर आप बनाते हैं ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और जो सामक के चावल हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनते। और यहाँ पे दोनों तरह की पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं, साबूदाना वड़ा और कुट्टू की पकौड़ी। आलू की सब्जी बन गई है, दिन में थोड़ी सी मैंने दही जमाई थी लेकिन वो अच्छी नहीं जमी थी, जो रात को मैंने दही जमाई थी वो बच्चों ने खा ली थी। लेकिन दही इतना थिक नहीं था लेकिन खाने के लिए सही था, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही भी निकाल लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा ऐड
ऐड कर दिया था तो यहाँ पे रायता बन गया। चाहे तो आप इस दही के अंदर खीरा वगैरह डाल सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा खीरा था तो वो मैंने सैलड में काट के रख दिया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए तैयार हैं। ये है हमारी सिंपल सी नवरात्र की व्रत थाली। आई होप आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं बनाई हैं। चाहे तो आप कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना सकते हैं लेकिन मैंने अवॉइड किया था। इस नवरात्रि व्रत की थाली में है मखाने की खीर, सामक के चावल की खिचड़ी, आलू की सब्जी है, कुट्टू की पकौड़ियाँ हैं और साबूदाना वड़ा है। साथ में है सैलड और है दही का रायता। तो इतना सब खाना हमसे खाया नहीं गया था। मखाने की खीर हमने नेक्स्ट डे खाई थी अष्टमी पूजन के बाद। और आज अष्टमी है, आपको अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये है हमारे शाम की पूजा का टाइम। बस मंदिर में भोग लगा के सब लोगों ने खाना खाया और इस तरह बीता मेरा सप्तमी का दिन। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करना। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।